एवीएम स्कूल के डायरेक्टर श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पे अभी एडिशन आया था, उसके रिलेटेड हम सर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि हमारे एडिशन में आपको क्या लगा कि जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, उस चीज़ के लिए हम सर से बात करने जा रहे हैं। मैं प्रदीप श्रीवास्तव, आनंद विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल संचालक। प्रदेश स्टूडियो का ये हेल्थ और एजुकेशन वाला एडिशन देखा है, ये बहुत अच्छा है। इसको पढ़ने से बच्चों को और पेरेंट्स को भी बहुत सहायता मिलेगी, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, इस सब के बारे में बहुत अच्छा इसमें छापा गया है। और मैं इस एडिशन के लिए प्रदेश टुडे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रदेश टुडे का मैं नियमित पाठक हूँ और जब अखबार मेरे हाथ में आता है तो मुझे लगता है कि इसमें जो अभी वर्तमान में दो एडिशंस आए उसको देखकर मुझे लगा कि वास्तव में आज वर्तमान समय की नितांत आवश्यक है। शिक्षा जगत की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बहुत ही त्वरित रूप से इसमें हमेशा दिखाई देती है। तो बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है, मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा का जो हमारे समाज में महत्व है उसी के अनुरूप प्रदेश टुडे ने शिक्षा पे विशेष महत्व देते हुए एक जो विशेषांक एक्स्ट्रा पेजेस का निकाला है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद भी देता हूं। गवर्नमेंट डॉक्टर श्री बी के श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कि क्लिनिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट है। ये अपने आप में मेडिकल और एजुकेशन के बारे में अच्छी जानकारी देता है, मतलब ये एक तरह से देखें तो डायरेक्टरी है जिसमें जो भी एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरी की पूरी नॉलेज देता है कि कौन से टीचर्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनको पढ़ने के लिए मिल सकता है, जो भी उनकी चॉइसेस हैं वो। और साथ साथ अगर हम मेडिकल का देखें तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन से डॉक्टर्स हैं जो कहाँ पर अपने सर्व कर रहे हैं, उनके क्लिनिक्स कहाँ हैं या कौन सी फैटर्निटी के हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं। तो एक तरह से एक कंप्लीट गाइड है उन लोगों के लिए जो एक एजुकेशन में भी हैं या ढूंढ रहे हैं कि किस तरह के टीचर्स या एजुकेशन्स उनको ज्वाइन करना है। हर चीज़ में परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा किसी भी तरह की हो, चाहे हम लोग चूँकि चिकित्सा शिक्षा में हैं तो चिकित्सा शिक्षा में भी कई चेंजेज आए हैं और आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो बेसिक शिक्षा है वो तो रहना ही चाहिए, परंतु उसके ऊपर रिसर्च और जो नए मॉड्यूल हैं उनको हम कैसे आगे ला सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि ये जो चिकित्सा महाविद्यालय है वो मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है और पूरी दुनिया में यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लोग इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। रही बात फीस की, तो इन जनरली हेल्थ केयर कोर्सेज की फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, पर सरकार के ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चे परस्यू कर सकते हैं, बैंक से लोन्स ले सकते हैं जो बड़े इजीली मिल जाते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज के लिए। और देर आर अ लॉट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं, और हम लोग भी कुछ हद तक जो हमारे बजट्स होते हैं उसके हिसाब से स्कॉलरशिप्स देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही थे सर के शब्द। शिक्षा से जुड़ी सारी बातों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांग द्विवेदी के साथ मैं सृष्टि सिंह, प्रदेश टुडे भोपाल।